नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल में। आइए नए डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी 10 सुपरफास्ट खबरों में। सुपरफास्ट अंदाज। प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिल रहा लाभ, लगातार तीसरे सप्ताह आटा तहसील के कांखेड़ा गांव के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट। कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालय की परीक्षा फीस की वापसी को लेकर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार डॉक्टर को सौंपा ज्ञापन। 8-30 जनवरी दमोह के पुलिस कप्तान श्री हेमंत कुमार चौहान ने 5 पुलिस अधिकारियों को भावभीनी विदाई देकर हमेशा स्वस्थ रहने की बात कही। देवेंद्र चौरसिया के परिवार के मामले में दमोह चौरसिया समाज प्राण थाने पर हुआ एकत्र। पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, एक पथरिया के सिमरी में तो दूसरा हाटा में निकला मरीज, कुल संख्या हुई 42। शासन प्रशासन ग्राम पंचायत में जब ग्रामीणों की नहीं सुनी तो तेनुखेड़ा की ग्राम पंचायत पाठौदो के गांव साईपुरा के ग्रामीणों ने चंदा से बनाई सड़क, कर रहे श्रमदान। दमोह जिले के दमोह जबलपुर हाईवे पर लगातार दूसरे दिन फिर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आने पर जवेरा अस्पताल से जबलपुर मेडिकल कॉलेज कराया गया रेफर। ट्रक की टक्कर से 2 युवकों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत, 2 घायल। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के टेढ़ा आम की घटना, शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे युवक। आज हटा में हटा एवं पटेरा के किसानों ने चना खरीदी केंद्र खरीदी को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन, जिसमें लिख गया कि किसानों का चना जो खरीदा था गया था, आज दिनांक तक किसानों का पैसा नहीं आया। इस कारण हटा पटेरा के किसानों ने SDM के नाम से ज्ञापन देकर चेताया कि 7 दिवस के अंदर यदि किसानों का पैसा उनके खातों में नहीं आता है तो किसानों के द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी। तेंदुलकर तहसील कार्यालय से रिटायर हुए कर्मचारियों को दी गई तहसील कार्यालय में भिजाई। SDM सहित रहे अधिकारी कर्मचारी मौजूद।